होप आप लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे, है ना। मैंने बताया था कि दिवाली के बाद थोड़ा सा अब डिफरेंट मोड पे स्टडी चली जाती है, चैप्टर्स काफी कवर होंगे अभी जल्दी जल्दी, है ना। तो आपको उसके साथ पेस बना के रखना है, क्योंकि आज और कल में ना मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये करना है कि इस वीक में जो भी आपको टाइम मिल रहा है इसमें पूरी चीजें आप कवर कर लो, है ना। मॉड्यूल सॉल्व कर लो, है ना। इसके रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी है वो अटेंड कर लो, है ना। तो अपने तरफ से पूरी चीजें करके रखो, है ना। तो सर, उसके लिए कोई वेट मत करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। अगर हम मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी रह जाती है, तो फिर हमारा कोई लॉस हाँ, होगा? एनसीईआरटी एक बार कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर फिर किसी पूरा कर लो ना चैप्टर पूरा ये में, मॉड्यूल वगैरह। नहीं कोई वैसे मतलब है, लेकिन एनसीईआरटी एक बार होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि कई बार जो एनटीए एग्जाम लेता है ना, जो तो एनटीए कई बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है ना, मेंस और उसमें मेंस में स्पेशल, वो थोड़ा सा कवर करने से आसानी है तो ना। अगर हम एनसीईआरटी पे तो एक बार करने मॉड्यूल चाहिए। के को सर अगर हम मॉड्यूल कर पा रहे हैं, तो फिर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आप मॉड्यूल एक अलग चीज है, एनसीईआरटी एक अलग चीज है। अगर आप मॉड्यूल कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर, है यस ना। वो सर, एनसीईआरटी थोड़े से डिफरेंट, उसको करना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई क्लास ठीक से अटेंड करो रेगुलरली विदाउट मिसिंग। आधा काम यस तो सर, आपका यहीं से हो जाएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ पूरा टोटलिटी में रहता है, कोई भी चीज छोड़ता उड़ता नहीं हूँ। कोई भी जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं पूरी कंप्लीट पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ेंगे बाद में इसका एडवांस लेवल पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जब स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी से लेके मेंस एडवांस लेवल सब पढ़ लेते, है ना। चैप्टर पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि बात फिर वो दोबारा कभी आते ही नहीं है, है ना। वो बात वाला वो जो वर्ड है ना वो बेकार, तो कभी नहीं आता। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो पूरा कंप्लीशन इज इम्पोर्टेंट। अगर मॉड्यूल आप कर रहे हो तो मॉड्यूल कंप्लीट करके दूसरी चीज पे जाओ। ये तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, पूरे घर में लाइब्रेरी बना लेते हैं, ये मटेरियल वहां का बुक यहाँ का बुक, और करते एक भी नहीं। वैसा नहीं करना है, स्टेप वाइज जाना है कि क्लास अटेंड करनी है, क्लास का लेक्चर रिवाइज करना है, फिर पहली बात मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद एनसीईआरटी करना है, इसके बाद जो मर्जी है ना, इसके बाद जो मर्जी आपको लगता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग करना। चलो तो आज जो आपको पढ़ना है ना थर्मोडायनेमिक्स में, मेरे ख्याल से प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, ये सारे प्रोसेस की डिटेल आपको यस पता है। तो आज आपको जो चीज पढ़नी है, आपको स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स साइकिल, है ना भाई। हम यहाँ पढ़ते हैं जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज जो थर्मोडायनेमिक्स साइकिल। अभी तक हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में, है ना। कि भाई थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि तो जो भी आपके एंजिन्स वगैरह वर्क करते हैं ना वो थर्मोडायनेमिक साइकिल ही होता है ना। कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, जैसे कि आपका साइकिल होता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल का मतलब आप जानते हो कि थर्मोडायनेमिक साइकिल इज सिंपली इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज चेंज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज चेंजेस, स्टेज चेंजेस सच दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, सच दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, स्टेट आर सेम, है ना। ये आपका थर्मोडायनामिक साइकिल का डेफिनेशन है कि बहुत सारे स्टेजेस चेंजेस होंगे और इस तरह से होंगे कि फाइनल जो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सेम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका थर्मोडायनामिक साइकिल। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी थर्मोडायनामिक साइकिल का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाएं, ये कोई थर्मोडायनामिक साइकिल है और इसका अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाएं, तो सपोज आपका मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पे जा रहा हूँ, स्टेट वन से स्टेट टू पे। तो जब आप स्टेट वन से स्टेट टू पर जाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, हीट सप्लाइड होगा, बॉयलर होगा, डेल्टा यू होगा, है ना। लेकिन अगर आप टू से वापस वन पे आ जाओ, मे नॉट नेसेसरी कि सेम पाथ में, आप टू से वन किसी डिफरेंट पाथ में ऐसे आ जाओ, तो ये जो चीज बनी है कि भाई बहुत सारे स्टेट में चेंजेस होते हैं लेकिन इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पे जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके थर्मोडायनामिक साइकिल। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है दिस इज नोन एज अ थर्मोडायनामिक साइकिल। कोई भी थर्मोडायनामिक्स अगर साइकिल है तो इसमें अगर मुझे वर्क निकालना है कि भाई थर्मोडायनामिक साइकिल में कितना वर्क हो गया है, तो एरिया का तो साइकिल हो जाएगा ना।
सिंपल सा हम बोलेंगे कि एरिया अंडर द साइकिल इज वॉल डन, एरिया अंडर द साइकिल इज वॉल डन, है ना, कि वॉल डन अगर हम निकालें इसमें तो जो एरिया अंडर द साइकिल होगा वही क्या होगा, क्या आपका वॉल डन हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब वन से टू जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव वर्क होगा, जब टू से वन जाएंगे तो कुछ नेगेटिव वर्क होगा, है ना, तो बीच का जो यही तो नेट वर्क बच गया, तो ये जो एरिया होगा ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, सर आपके वर्क पीवी डायग्राम। अब उसके बाद जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो डायग्राम कौन सा होता है, आपका प्रेशर वर्सेस, है ना, एरिया अंडर द साइकिल क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब उसके बाद है कि ये वर्क डन जब ये अगर साइकिल क्लॉकवाइज है ना, कि सपोज आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है तो ये जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये क्लॉकवाइज होने का मतलब है पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क से ज्यादा है। यही साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एसी को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे इसमें आपको होता है कि एक्सपेंशन वाला वर्क कंप्रेशन वाले वर्क से ज्यादा है तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आ गया, अगर इसी को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो उल्टा हो जाएगा, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके नेगेटिव। तो जब भी आपको किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है कि भाई पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है तो इस एरिया को आप कैलकुलेट करो, है ना। अगेन वही चीज है कि इस पूरे साइक्लिक में कुछ नेट वर्क डन होगा, यहाँ पे नेट वर्क डन लगा लो, है ना, कि भाई जो ये जो वर्क है ये पूरे साइकिल का कौन सा वर्क है, आपका नेटवर्क, भाई पूरे साइकिल की हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके नेटवर्क, है ना। सेम वे पे कुछ न्यू क्यू नेट भी होगा, हो सकता है कि आप वन से टू जब जा रहे थे तो आपने सिस्टम में कुछ हीट सप्लाई किया और जब टू से वन वापस आओगे तो सिस्टम से कुछ हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे नेट हीट की भी बात कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस में कुछ न्यू नेट हीट है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू नेट लिखूं तो क्यू नेट की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी क्यू वन माइनस क्यू, है ना, कि क्यू वन आपने सप्लाई किया वो पॉजिटिव होगा, क्यू टू निगेटिव होगा, दोनों जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे क्यू नेट। बहुत ज्यादा किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में कुछ डब्ल्यू नेट हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ क्यू नेट हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कोई भी अगर साइकिल है तो उस पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू नेट की वैल्यू जीरो, जो नेट आपका चेंज इन टर्मिनल एनर्जी होगा वो जीरो, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन, हाँ स्टेट फंक्शन है। अगर आपका यहाँ का टेम्परेचर T1 है ना, और यहाँ का टेम्परेचर अगर T2 है, तो जब टेम्परेचर आपका T1 से T2 पहुंचेगा तो कुछ डेल्टा U12 हो सकता है, 1 से 2 में जाने में कुछ चेंज इन एनर्जी हो सकता है, जब 2 से 1 में जाएंगे तो भी कुछ चेंज एनर्जी हो सकती है, डेल्टा U21 भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे आप स्टार्ट हुए उसी टेम्परेचर पे वापस आ गए ना, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं है तो डेल्टा यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सकते आपको चाहिए। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में कुछ नेट वर्क हो सकता है, कुछ नेट हीट हो सकती है, लेकिन पूरे साइकिल की जो नेट चेंज एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर ये जीरो होगी तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपका क्यू नेट होगा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा डब्ल्यू नेट के इक्वल, डेल्टा यूनिट तो जीरो है तो जो भी क्यू नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, इसलिए आपके डब्ल्यू नेट। ना? और अब से है यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, भाई कोई साइक्लिक प्रोसेस अगर है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। पता रखना कि जो एफिशिएंसी वर्ड है ना ये थोड़ा सा आप केयरफुली चूज करना, कि जो एफिशिएंसी होता है ये आपका होता है आउटपुट, मतलब नेट वर्क डन हो गया, लेकिन डब्ल्यू नेट बाई नेट नहीं होता, अगर W net by Q net हो जाए फिर तो efficiency 100% हो जाएगी, तो W net तो होता है लेकिन यहाँ पे Q जो होता है ना वो Q सिर्फ supplied हो into 100 अगर percentage में आप लिख रहे हो तो पूरे साइकिल में कुछ नेटवर्क हुआ उसके लिए आपने कुछ हीट सप्लाई की, सिर्फ सप्लाइड लेना है यहाँ पे into 100, क्योंकि अगर आप W net और Q net लिखोगे फिर तो efficiency 100% हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसा इंजन या साइकिल नहीं होता है जिसकी efficiency क्या हो सके आपके 100 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि W net by Q supplied होगा, और Q supplied का मतलब हो जाएगा कि जो सिस्टम को हमने सप्लाई किया है मींस पॉजिटिव, है ना, कि भाई अगर हमने यहाँ पे Q1 सप्लाई की है ना तो जस्ट हम लिखेंगे इस पूरे प्रोसेस में अगर मुझे एब्सेंसी निकालना है तो एब्सेंसी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी W net Q1, तो रिजेक्ट हो गया उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे नीचे जो लिखते हैं क्या होता है हीट सप्लाई होता है। अभी आपने बोला है कि W net और Q net की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना, तो Q net की वैल्यू अभी हम बोल सकते हैं Q1 minus Q2 होगी, भाई आपका Q1 आ गया, अल्टीमेटली एफिशिएंसी की जो वैल्यू आ जाएगी
वो आपकी आ जाएगी 1 माइनस मॉड ऑफ Q2 बाई, है ना, कि अगर Q1 आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की और Q2 रिजेक्ट हो गया है तो जो एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस क्या हो जाएगी मॉड ऑफ Q2 बाई Q1। मॉड हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम माइनस साइन ले चुके हैं उसको दोबारा नहीं लेंगे। मान लो कोई चीज निगेटिव आ भी रही है तो एक ही बार माइनस साइन लेते हैं, तो इसलिए जब माइनस साइन एक बार ले चुके हैं तो फिर सिर्फ हीट का आपको मॉड लेना। तो एफिशिएंसी का मतलब ये नेट वर्क डन बाय क्या हो जाएगा हीट सप्लाई। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं वो ज्यादातर साइक्लिक प्रोसेस के ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो किसके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके साइक्लिक प्रोसेस के, राइट। पहले आप इसको बेसिक्स को लिख लो, दिस इज नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, ये आपका हो गया साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन इसके बाद आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन है वो मैं ही सॉल्व करूंगा, आप उसको सॉल्व मत करना, लेकिन उससे हम पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे सर। एक आपका डिस्कशन का एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ बेटा। सर आपने जो एफिशिएंसी लिखी 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो Q2 बाय Q1 मॉड में क्यों रखा आपने? मॉड में क्योंकि उसका साइन हम माइनस ले चुके हैं ना भाई, यहाँ पे जो माइनस साइन लिया है क्योंकि वो ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेना। यहाँ से जब आप एफिशिएंसी लिखोगे ना तो एफिशिएंसी आप लिख दोगे यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो आप माइनस साइन ले चुके हो क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, तो दोबारा भी अगर हीट रिजेक्टेड तो फिर से साइन ले लोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक बार माइनस साइन ले चुके हैं तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे मॉड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ वो गलत है। यहाँ पे आपको साइन क्या यूज करना है, एक बार कोई भी साइन हम एक बार अगर यूज कर लेते हैं तो फिर दोबारा उसको यूज नहीं करते, तो माइनस साइन हमने यूज किया है क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग दोबारा यूज नहीं। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसी से हम पूरी चीज सीखते हैं कि कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखो यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोसेस है, मैं यहाँ पे किसी साइक्लिक प्रोसेस का एज एग्जांपल 1 में कोई प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज द प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, है इस तरह से डायग्राम है आपका। 1 से 2 हम गए, एक प्रोसेस हुआ, फिर आप 2 से 3 गए, है ना, फिर आप 3 से 4 गए और 4 से वापस 1 गया। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, है 1 से स्टार्ट हुए 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से वापस किस पे आ गया, बेसिकली आपके 1। तो इसमें आपको कुछ प्रोसेस के बारे में नॉलेज है, लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि जो 1 से 2 प्रोसेस है ये कौन सा है, तो इससे आइसोबैरिक है, इसमें आपका जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट है, ये प्रोसेस जो है कैसा है, जैसे कि आपका आइसोबैरिक है। 3 से 4 के बारे में भी नॉलेज आपको पता है, ये आइसोकोरिक है, ये प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक। लेकिन 2 से 3 और 4 से 1 के बारे में भी आप जानते नहीं, ये एडियाबेटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, कोई दूसरा पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है। तो 2 से 3 और 4 से 1 में आपको दिया हुआ ये जो लाइन है ये आइसोथर्म है, ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, जैसे कि आपके आइसोथर्म दोनों, ये भी आइसोथर्म, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल आपको दिया होगा, कि जो 2-3 प्रोसेस है ये भी आइसोथर्मल है और 4-1 प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, तो ये आपको गिवन है। 2 से 3 आपका जो है दिस इज योर आइसोथर्मल, हाँ, और आपका जो 4 से 1 प्रोसेस है ये भी आपका आइसोथर्मल, ये जो प्रोसेस है ये भी कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि आपका आइसोथर्मल। कुछ प्रोसेस से कॉम्बिनेशन करके आपने एक साइकिल बनाई और जिस गैस के लिए आपने साइकिल बनाई है वो गैस मोनोटॉमिक, ये भी आपको दिया हुआ है कि वो गैस कैसी है, बेसिकली आपकी मोनोटॉमिक, और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो लिए हमने 2 लिए, मे बी हीलियम, नियॉन कुछ भी हो सकता है, आर्गन कुछ भी हो सकती है, और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 है, और एक चीज का टेम्परेचर दिया हुआ है कि भाई T1 का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन, यहां का टेम्परेचर 0.1, और कुछ वॉल्यूम के रेशियो दिए हुए हैं कि 1 का वॉल्यूम अगर V है तो जो 2 का वॉल्यूम है वो 2V, और ये 3-4 का जो कांस्टेंट वॉल्यूम है 4। ये क्वेश्चन आपको गिवन, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा होगा, मैंने ऐसे डायग्राम में ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब इसमें ये चीज पूछते हैं सबसे पहले कि आपसे पूछा जाता है कि हर प्रोसेस में हीट वर्क और डेल्टा यूनिट, आपको ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट, सबसे पहला क्वेश्चन में ये होता है, पार्ट ए होगा, पार्ट बी भी इसका है,
कि पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट है ना क्यू वर्क एंड डेल्टा यू फॉर ईच प्रोसेस, कि हर प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या हो हर प्रोसेस की, और आपको एक किस तरह से टेबल बनाना है कि हर प्रोसेस में जो डिटेल्स हैं आपकी उसका आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म करना है। मैंने बताया कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इससे हम सारे कंसेप्ट क्लियर करें। आपको पता है बहुत सारे प्रोसेस में लाइक सबसे पहला प्रोसेस हम लेते हैं वन से टू है ना, दोबारा आपका हो गया इसलिए आपका यहाँ पे टू से थ्री, थ्री से फोर एंड फोर से वन। इस हर प्रोसेस में आपको ये तीनों पैरामीटर निकालना कि भाई हर प्रोसेस में आपका हीट कितना होगा, कितना हीट आपने सप्लाई किया होगा, इस प्रोसेस में कितना आपका वर्क डन होगा और इस प्रोसेस में कितना डेल्टा हीट, तीनों चीजें हर प्रोसेस के इंडिविजुअली निकालना है ना। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान दो कि वन बाई वन अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वन टू आइसोबैरिक प्रोसेस है, मैं बाकी प्रोसेस के बारे में भूल जाता हूँ है ना। पहले बात है कि हम हर चीज का टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि अगर वन का मुझे टेम्परेचर 300 पता है तो टू का टेम्परेचर 600 है, क्योंकि आपको पता है वन से टू जो प्रोसेस है ना इसमें प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है, तो जो टेम्परेचर होगा वो वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फॉर दिस प्रोसेस है ना। तो अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो जो टू का टेम्परेचर होगा ये आपका 600 केल्विन। और फिर आपको पता है आइसोथर्म है, मतलब इसके हर पॉइंट में टेम्परेचर 600 केल्विन है, मतलब थ्री का टेम्परेचर भी 600 केल्विन है ना। और ऑब्वियस बात है ये भी तो आइसोथर्म है, तो अगर इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है ना वन पॉइंट का, तो इसके सारे पॉइंट का टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहाँ का भी 300 केल्विन आ गया। इससे एक थोड़ा आइडिया आ गया कि इसमें चूंकि हर पॉइंट का टेम्परेचर नोन है इसलिए इसको टेम्परेचर के टर्म्स में करना आसान है, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसके टर्म्स में करेंगे टेम्परेचर के टर्म्स। तो आप निकालते हैं, सबसे पहले हम आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर। आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई कितनी होती है हम जानते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो क्यू की वैल्यू होती है एन सी पी डेल्टा है ना। स्पेसिफिक हीट के लिए हम कह लेते हैं सी पी डेल्टा है, तो एन सी पी डेल्टा डी आप ले लो, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है टू है, CP मोनोटॉमिक का 5/2 आर हो जाएगा है ना, और डेल्टा टी जो है वो 600 माइनस 300 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 1500 आर हो गया है ना, यहाँ पे एक आर भी हो 5/2 हो गया, मतलब 1 से 2 प्रोसेस में आपने जो हीट सप्लाई की वो 1500 आर है ना। और चूंकि पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने यहाँ पे हीट सप्लाई की, हीट सिस्टम में आपकी सप्लाई, ऐसे ही आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क भी हम जानते हैं, वर्क की वैल्यू होती है ना डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 है, गैस कांस्टेंट तो आ रहा ही, टेम्परेचर चेंज इसमें भी आपका 600 माइनस 300 ये आपका जो आ गया दैट इज 600 आ गया, और ये दोनों चीज आ गई तो थर्ड अपने आप आ जाएगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू तो हो जाएगा ये आपका 900 आ जाएगा है ना। तो पहले 1 2 का आपने निकाल दिया, 1 2 का आपने कैलकुलेट जो किया है आपने हीट सप्लाई की पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव है, इस प्रोसेस में वर्क भी पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव 900 आर। तो पहले आपने आइसोबैरिक प्रोसेस की डिटेल्स फिल करें कि आइसोबैरिक प्रोसेस में ये सारी चीजें है ना। फिर हम आ जाते हैं 2 3 पे है ना, कि भाई जो 2 से 3 प्रोसेस है ये कौन सा, जब हम यहाँ पे बात करेंगे 2 से 3 प्रोसेस की तो ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल, ये प्रोसेस कैसा है बेसिकली आपका आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो आपको लगा डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू और डब्ल्यू सेम होंगे, और इस फॉर्मूला होता है एनआरटी एलएन ऑफ बी टू बाई जीरो है ना। तो जब मैं यहाँ पे क्यू या डब्ल्यू निकालूंगा 2 से 3 प्रोसेस में है ना, कि भाई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोस्ट 2 है, आर आपका आ गया, जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो पुट करना, 600 कांस्टेंट है उसमें 600 यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू एलएन ऑफ वी टू बाई वी वन, तो एलएन ऑफ 2 आ गया 4v/2v है ना, कि 4v/2v एलएन ऑफ क्या आ गया जैसे कि आपका 2, मतलब इसकी भी डिटेल्स आ गई जो इस पूरे प्रोसेस में आपने जो हीट सप्लाई किया इसमें पॉजिटिव है 1200 आर एलएन 2, और इतनी ही आपकी डब्ल्यू भी होगी 1200 आर एलएन 2, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका हो गया 2 से 3 जो आइसोथर्मल।
ऐसे में जाते हैं, हर प्रोसेस का निकालना है, तो मैं जाता हूँ थ्री से फोर में। तो थ्री से फोर आपको पता है क्या आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता। तो अगर वर्क नहीं होगा तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के, और डेल्टा यू की वैल्यू जो होती है एनसीबी डेल्टा टी होती है। तो इसमें वैल्यू सब पुट कर लो तो क्यू इक्वल टू आपका आ गया टू, सीबी की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब डेल्टा टी का ध्यान रखना, डेल्टा टी एक्चुअली निगेटिव है, 600 से टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। तो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे वो 300 फाइनल होगा माइनस 600, तो जो क्यू या डेल्टा यू है वो निगेटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस 900 आ, है ना, ये कितना आ गया सर, आपका माइनस 900 आ, मतलब 3 से 4 में निगेटिव हीट है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, वर्क भी निगेटिव है, वर्क तो जीरो है, डेल्टा यू निगेटिव मतलब टेम्परेचर कम, माइनस 900। मतलब यहाँ से 1 से 2 में आपने हीट सप्लाई किया, 2 से 3 में भी हीट सप्लाई किया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी बाहर जाने, है ना, यहाँ पे सिस्टम से हीट किया और ये बाहर जाने, तो वो उसको आपने नेगेटिव ले लिया। तो ये आपका हो गया प्रोसेस 3 टू 4। ऐसे हम जाते हैं 4 से 1 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, है ना, 4 से 1 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें भी डेल्टा यू की वैल्यू तो जीरो होगी, तो क्यू और W सेम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आर, जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो 300, ln ऑफ V2/V1, तो फाइनल वॉल्यूम तो V है, इनिशियल वॉल्यूम 4V, हां तो वॉल्यूम 4V से भी हो गया, V/4V हो जाएगा, तो माइनस यहां पे 1/4 आ गया, 1/4 को ऊपर ले जाएंगे तो log की प्रॉपर्टी यूज करके -1200 आर ln 2 हो जाएगा। तो हर प्रोसेस की डिटेल हम अलग अलग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एक बार जब हर प्रोसेस की आपने ये कर ली तो हम यहाँ पे क्यू नेट निकाल सकते हैं, सबको सम कर दो तो क्यू नेट की वैल्यू 600 आर हो जाएगी, है ना, कि अगर हम सबकी प्रोसेस का नेट लिख लें, है ना, डब्ल्यू नेट की वैल्यू 600 आर ही होगी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि अभी आपने साइक्लिक प्रोसेस के लिए पढ़ा है, साइक्लिक प्रोसेस में क्यू नेट और डब्ल्यू नेट सेम होता है, डेल्टा यू नेट जीरो, मतलब सारे आपके आंसर सही है। साइक्लिक प्रोसेस की बेसिक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो आपने किस तरह से निकाला वो ध्यान रखना कि भाई जो भी चीज है अवेलेबल डाटा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करके सीधे सारी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रोसेस में भी हीट जो हो रही है वो बाहर जा रही है क्योंकि इसका भी हीट निगेटिव आ गया, मतलब 1 से 2 में आप हीट सप्लाई कर रहे हो, 2 से 3 में आप हीट सप्लाई कर रहे हो और बाकी 2 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, ये जो साइक्लिक प्रोसेसेस की एफिशिएंसी कितनी है वो निकालने का आसान है। अभी आपने बोला है कि भाई एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस होती है डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाई, तो डब्ल्यू नेट तो हम निकाल चुके हैं, डब्ल्यू नेट तो 600 आर है, डब्ल्यू नेट और क्यू नेट सेम ही होता है, क्यू सप्लाई, क्यू सप्लाई का मतलब जो पॉजिटिव हीट, पॉजिटिव हीट मतलब ये दोनों सिर्फ आपको लेना है, इसको नहीं लेना, ये तो रिजेक्ट हो गई, तो यही आपने सिस्टम में सप्लाई किया, सिस्टम का इनपुट यही है, आउटपुट बाय इनपुट ही तो एफिशिएंसी होती है, तो आउटपुट तो वर्क होता है जो आप ऑप्टिम कर रहे हो और इनपुट होता है जो आप सिस्टम में हीट डाल रहे हो, जो रिजेक्ट हो गई तो वेस्ट हो। तो हम यहाँ पे नीचे जो लिखेंगे ना, ये आपका लिख दोगे 1500 आर प्लस आपका 1200 आर एल एन, तो इससे जब एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी की वैल्यूज आती है, तो ध्यान रखना कि भाई एफिशिएंसी में कभी भी हम नेट हीट नहीं लिखते, नेट हीट लिखेंगे फिर तो क्या होगा, दोनों से नहीं होगा, फिर तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगा, हां, जबकि इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो एफिशिएंसी की वैल्यू 25.6% आती है परसेंटेज के तौर पर, है ना, एफिशिएंसी जो इसकी कितनी होगी 25.6%। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन यही था कि हर प्रोसेस का अलग अलग निकाल के आपको एफिशिएंसी निकाल इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, इसका प्रोसेस सर एफिशिएंसी कैसे आएगी फिर से बता दो। एफिशिएंसी बेटा होता है W नेट बाय Q सप्लाई,
डब्ल्यू नेट तो हम निकाल चुके हैं, सारे वर्क का सम डब्ल्यू नेट हो गया, फिर क्यू नेट के इक्वल होता है, इनपुट कर दिया। और हीट सप्लाइड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव एक तो ये है एक ये, दोनों को नेगेटिव इसको लेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इतना आपको वर्क आ गया, इतना आपने हीट सप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यूज पुट करोगे जब आप, तो 25.6 आ गया परसेंटेज टर्म्स, है ना। आर तो कैंसिल ही हो गया आगे चलते, है ना। और एल एन टू की वैल्यू हम जानते हैं, एल एन टू की वैल्यू 0.692 होती है, ये नेचुरल लॉग टू है, लॉग बेस 10 वाला नहीं, है ना। एल एन टू की जो वैल्यू होती है ना, आप ध्यान रखना, एल एन टू की जो वैल्यू होती है 0.692, है ना, कि नेचुरल लॉग का जो 2 होता है वो 0.692 होगा, उसकी वैल्यूज को यहां पुट करो, आपका 25.6%। ये क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे इसी तरह के फॉर्मेट में आपसे पूछे। अब ये बताता हूं, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, पहले आप इसको देख लो। हाँ प्रणव, उससे भी निकाल सकते हो, उससे भी आप निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ 421 421। आई एम एक्सप्लेन भाई, 421 में क्या था ना, डेल्टा यू की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, क्यू और डब्ल्यू सेम होंगे, और वो फॉर्मूला होता है एनआरटी लॉग फाइनल एलएन ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, एन टू है, आर आपका गया, टेम्परेचर जो कॉन्स्टेंट है वो 300 है ना, इस 4 से 1 में, 4 से 1 में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कितना है 300, तो 300 पुट कर दिया, एंड फाइनल वॉल्यूम वी है, इनिशियल वॉल्यूम 4 भी है, तो एल एन ऑफ वी बाई 4 भी आ गया, यहाँ से वी भी तो कैंसिल हो गया, एल एन ऑफ 1/4, और एल एन ऑफ 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन ऑफ 1/4 जो होगा -2 एल एन टू, उसको पुट कर दिया तो -200 एल एन टू, तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, मैंने ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो ग्राफ कन्वर्जन के ऊपर, तो आज हम 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन से ही साइक्लिक प्रोसेस जो होगी वो पूरी पूरी एक्सप्लेन होगी, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट, क्या कर इसके हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, ये पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी आपको आना चाहिए, है ना, कि भाई सेम साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कि भाई साइक्लिक प्रोसेस जो है आपको सेम, है ना, कि भाई साइक्लिक प्रोसेस जो है वो आपकी इस तरह से है, ना, कि दिस इज योर पीवी डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम तो आपको दिया हुआ था, है ना, इस तरह से आपका ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, है ना। अब आपको ये बोला गया कि अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है तो इसका आपको प्लॉट करना है सबसे पहले कि इसका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम कैसा, कि अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है तो इसका पीटी ग्राफ कैसा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और दूसरा आपको बताना है इस केस में कि इसका आपका वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा, वीटी ग्राफ, और तीसरा एक और भी बोला गया है कि भाई इसका आपको प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ बताना, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, है ना, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, बाकी तो यूजुअल सिंबल्स हैं, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, कि अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस का ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है उसका पीटी कैसा होगा, वीटी कैसा होगा, और प्रेशर वर्सेस डेंसिटी कैसा, ग्राफ तो कोई भी हो सकता है, अगर ग्राफ की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना
कि इसमें बस कुछ नहीं है, ग्राफ जब आप कन्वर्ट करते हो ना, बस आप गैस लॉ से ही कन्वर्ट करते हो कि भाई आपके बीच में जो कनेक्टिंग फैक्टर्स है ना, वो गैस लॉ का प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, तो आप जस्ट लिख देंगे कि आपको जो चीज यूज करना है पीवी स्क्वायर टू जस्ट एन आर, इसी से ग्राफ कन्वर्ट करते। और एक ग्राफ में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरे ग्राफ में भी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, और एक ग्राफ में अगर कोई चीज कांस्टेंट है दूसरे ग्राफ में भी कांस्टेंट होगी, और एक ग्राफ में अगर कोई चीज डिक्रीजिंग है तो दूसरे ग्राफ में भी डिक्रीजिंग। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अप एंड डाउन। जैसे 1 से 2 आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही आ जाएगी 1 से 2, है जी ना, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस का प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे लाइन आएगी। अब एक चीज है ना, एरो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा, तो आप ध्यान दोगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे कि 1 से 2 में अगर जो प्रोसेस 1 से 2 है ना, 1 से 2 आपका आइसोबैरिक अगर प्रोसेस है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एरो राइटवर्ड, 1 से 2 आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही आ गया, वर्टिकल लाइन। 2 से 3 में टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर कम हो रहा है। 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब एक ग्राफ नीचे आएगा, अदरवाइज ऊपर भी चल जा सकता था, क्या आपको कैसे पता कि नीचे ही आ रहा है, तो चूंकि 2 से 3 में प्रेशर कम हो रहा है तो इस ग्राफ में प्रेशर कम होना शुरू, तो 2 से 3 में प्रेशर कम हो गया। ऐसे 3 से 4 आपको है, 1 से 2 तो वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया, आपको है 2 से 3 में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, 2 से 3 में टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। ऐसे आप आ जाते हो 3 से 4 में, तो 3 से 4 में वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोबैरिक, तो जो आपका प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह से इंक्लाइन लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन उसको डॉटेड शो करते हैं, है ना, कि इसको ओरिजिन से पास नहीं करते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ से डॉटेड करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से पास हो, तो 3 से 4 प्रोसेस आपका ही होगी। और 3 से 4 में आपको पता है कि वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है लेकिन प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, रिलेटिव फंक्शन है। 1 से 2 आ गए, 2 से 3 आ गए, 3 से 4 आ गए, ऐसे 4 से 1 अगेन आइसोथर्मल, तो अगेन साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब ये अगर साइक्लिक हो 4 से 1 में हमारा, 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर की वैल्यू और इंक्रीज हो, तो अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है तो उसी साइक्लिक प्रोसेस का ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो पीवी को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ऐसे ही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। तो जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में आप करोगे तो जो 1 से 2 प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यहाँ पे आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा 1 से 2, है ना। उसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बाद आपको पता है 3 से 4 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आपका आगे 3 से 4 वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी 3 से 4 में हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, 5 से 6 वॉल्यूम है, अगेन 4 to 2, तो ये भी ट्रेपेजियम हो रहा है, नंबरिंग अलग अलग 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर आ गया। ये तो यूजुअल ग्राफ होते हैं, पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, ये तो यूजुअल चीजें हैं। लेकिन एक थोड़ी सी अनयूजुअल चीज बोल दिया कि आप यहाँ पे प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का कर्व, तो थोड़ा सा प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन निकालना होगा, तो प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का जब आप कर्व देखोगे तो प्रेशर और डेंसिटी में आप रिलेशन निकालो, आप लिखोगे पीवी इक्वल टू एन आर टी स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू आर टी, है ना, और मास बाय वॉल्यूम की डेंसिटी हो जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेंसिटी बाय कैपिटल एम इंटू आर टी, या डेंसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस जो होती है वो पीएम बाई आर टी, हाँ मास बाय वॉल्यूम को आपने डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया तो ये रिलेशन आ गया।
अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या प्लॉट करना है, जबकि आपका ग्राफ। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं वन से टू में प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना, कि वन से टू में प्रेशर क्या है, जबकि आपका कॉन्स्टेंट है ना, प्रेशर कॉन्स्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी है ना। तो ये जो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम ही तो होती है, जब भी हम डेंसिटी यहाँ पे लिखेंगे तो डेंसिटी की, वैसे तो हमने ये डेफिनेशन लिखी है, अदरवाइज डेंसिटी सिंपल आपकी m / v तो होगी, तो मास ऑफ द गैस तो कॉन्स्टेंट होगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब पहला जो ग्राफ आएगा वैसा आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब लेफ्ट फुट एरो, इसका जो एरो होगा किसका होगा, जैसे कि आपका लेफ्ट फुट, तो आंसर ठीक से मानते हैं वन से टू होगा, है ना। टू से थ्री टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप देखो कि जब मैं टू से थ्री लूंगा है ना, कि टू से थ्री में इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, इफ टी कॉन्स्टेंट है, तो आर और एम तो कॉन्स्टेंट होते ही है, मतलब प्रेशर जो होगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और प्रेशर अगर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पीडी ग्राफ में इंक्लाइन लाइन बन जाएगी, वैसी लाइन बन जाएगी ऐसे, दिस इज प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी आ गई टू से थ्री में, और थ्री से फोर में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी, और फोर टू वन अगेन आइसोथर्मल है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी हो जाएगा, ये आप इस तरह से वापस ज्वाइन कर दो, ये आपका हिसाब है कि वन से टू में प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, थ्री से फोर में, फोर से वन में अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, तो प्रेशर वर्सेस डेंसिटी करो, तो यही थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भाई किसी भी कर्व को, ग्राफ को दूसरे ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट, और कैसे कन्वर्ट किया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन, ये ग्राफ कन्वर्जन भी पूछा जाता है सर, आप इसे एक और बार से समझा सकते हैं, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, वेट कर पहले इसको लिख लो, सर हाँ बोलो सर, ये इधर डॉटेड लाइन क्यों है, बेटा डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि प्रेशर जीरो नहीं हो सकता ना, यस सर, तो अदरवाइज वो पास करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ओरिजिन से पास करता हो, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता ना, टेम्परेचर प्रेशर या वॉल्यूम, तो डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, तो सॉलिड लाइन का मतलब फिर तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जीरो हो गया ना, ग्राफ मतलब जीरो से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो गलत है ना, बोर्ड दिखा दो, थ्री हंड्रेड आपको दिया हुआ था बेटा, जो टेम्परेचर है ना टी वन दिया हुआ था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन आपने किया था टी वन दिया हुआ था 300 का, तो वॉल्यूम लेवल हुआ तो 600 हो गया, और उसके बाद एस थर्मल है तो 600 कांस्टेंट, तो 300 भी कांस्टेंट रहेगा, तो 300 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, हाँ वो बेटा प्रणव आएगा, एडियाबेटिक भी आएगा, एडियाबेटिक होता तो फिर टीवी टू द पावर गामा एस वन से टेम्परेचर को निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन पता है ना, तो टीवी टू द पावर गामा एस वन यूज कर लेते, सर सर जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो मतलब स्ट्रेट लाइन से ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके करेंगे, कर्व में कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस केस में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, किसी केस में कर्व भी आ सकता है, ओके सर, वो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा है, अदरवाइज कर्व का ग्राफ कर्व भी हो सकता है ना, आएगा भी क्वेश्चन, क्वेश्चन में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो चीजें भी आएंगी, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी आसान है, जो भी चीजें हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ये तो ओरिजिन का लाइन होगी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो बाकी टर्म तो कॉन्स्टेंट है, प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ये इंक्लाइन लाइन है, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, थ्री से फोर में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है,
डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर हो गया प्रेशर डेंसिटी रेशियो, क्लोज साइकिल आपको मिली, मतलब ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके रिलेशन में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग। तो कई क्वेश्चंस इसी जैसे होंगे, है ना, कि आपको या तो ग्राफ कन्वर्ट करने आएगा या वो डिटेल्स पूछी जाएंगे हर प्रोसेस में, एब्सेंस कितनी होगी एक्सेप्ट। ओके, तो ये अप्लाई करो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। तीन क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं अभी, जिससे कि हम पूरा ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, बड़ा नहीं होता, इसी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है ना, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो तीन क्वेश्चन जो है उससे हम इसको सीखेंगे। सर आपका कैमरा बंद हो गया। अभी बेटा मैंने शेयर कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, मैं दो तीन बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट एंड डी पार्ट। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम आपको दिया, ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेट वर्क डन निकालेंगे ना हम, देखते हाँ नेटवर्क पहले पार्ट में नेटवर्क डन पूछता हूँ। नेटवर्क डन तो एरिया अंदर से साइकिल हो उससे आसानी से।
ए पार्ट का तो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही भेजा है, आप सारे पार्ट के एक साथ भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट ए बी सी का एक साथ भेजो, डी बाद में सॉल्व करेंगे हम, डी थोड़ा सा इसमें अलग सा क्वेश्चन है, ए बी सी तो इजिली कर सकते हो इसमें। हाँ ध्रुव सही आंसर है आपका, साक्षी सही आंसर है, हाँ रमेश एबीसी पार्ट का सही है आपका आंसर। एबीसी का एक साथ सेंड करो मुझे यार, सर हाँ बोलो, ओके तो आई भी देख रहा हूं मैं भी। हाँ तो प्रोसेस तो पता ही है, वो डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, जो बीसी प्रोसेस इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बाकी प्रोसेस तो आपको पता है, बीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी प्रोसेस। आ डेल्टा टी बेटा आपको दिया नहीं है ना, तो डेल्टा टी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा आपको। आ साक्षी मिश्रा पार्शियली आपका आंसर सही है, ध्रुव सही आपका आंसर,
हाँ खुशी यादव सही है आपका आंसर। हाँ सही है ध्रुव आपका आंसर। अदिति जोशी आपका भी आंसर सही है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा इसे, है ना। आपने ठीक सॉल्व किया इसे, है ना। सब लोग सॉल्व ठीक कर लो, ऑलमोस्ट आंसर जो आ रहे हैं सही है, एक्सेप्ट डी पॉइंट का भी आंसर मेरे पास किसी का नहीं है, है ना। वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको उसके बाद, और बाद में इस ग्राफ को कन्वर्ट भी करूंगा, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, इस ग्राफ को टीवी डायग्राम भी कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा आप समझ जाऊंगे किस तरह से आएगा आपका। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ये तीन क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, उसके बाद के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे सारे। ये वैसे आप सब काफी लोगों ने ठीक सॉल्व कर लिया इसे। हाँ डेल्टा टी भी बेटर, डेल्टा टी के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते ना, आपको तो पी नॉट वी नॉट के टर्म्स में आंसर लाना पड़ेगा जो गिवन चीज है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो ये दिया हुआ था कि पीवी डायग्राम है और हर पॉइंट का प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स वन है, मोनाटॉमिक गैस है, ये सबसे पहले लिख लो। और जो प्रोसेस नोन है आप देख लो, ए बी जो प्रोसेस है ये आपका आइसोकोरिक है ना, एस बी जो प्रोसेस है वो कैसा है, जैसे कि आपका आइसोकोरिक, और जो आपका सी ए प्रोसेस है ये आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है ना। बीसी के बारे में हम नहीं जानते कौन सा तो प्रोसेस है, लेकिन ये सब नहीं है जो नॉन प्रोसेस होते हैं, बीसी के बारे में अनोन चीज है ना, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानते कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जैसे बोला नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं आपको, कि भाई नेट वर्क डन सबसे पहले आप लिखोगे डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट तो एरिया अंडर द साइकिल हो जाएगा, आप एरिया लिख दोगे हाफ ऑफ टू पी नॉट, यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस आपका हो जाएगा टू वी नॉट माइनस पी नॉट, अल्टीमेटली डब्ल्यू नेट की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट इंटू वी नॉट। अब एक चीज रखना है क्लॉकवाइज है, मतलब डब्ल्यू नेट पॉजिटिव हो, हाँ डब्ल्यू नेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसने बोला हुआ है कि फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है, सही आंसर है, पी नॉट बी नॉट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस इन द कंप्लीट साइकिल कितना होगा निकाल लिया ए पार्ट में, है ना। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं, है ना। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पास ए and heat absorbed by the gas in the path AB. तो AB part में इसने कितना heat absorb किया और CA में कितना reject हुआ, ये भी आसान निकालना। दोनों process के बारे में आपको पता ही है। AB जो है उसमें अगर मैं heat निकालना चाहूँ तो heat is equal to delta U होता है और delta U की value क्या हो जाएगी nCV delta T, और हर point का temperature आपको पता है, आप यहाँ पे temperature लिख लो। जैसे एक अगर हम temperature देखें तो एक का टेम्परेचर आपका हो जाएगा पी नॉट बाई आर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो वन है। ऐसी बी का अगर हम टेम्परेचर देखें तो बी का टेम्परेचर आपका हो जाएगा थ्री पी नॉट बी नॉट बाई, है ना, कि ये आपका हो जाएगा थ्री पी नॉट बी नॉट बाई आर। ऐसे सी का भी टेम्परेचर मुझे पता है, सी का जो टेम्परेचर पता है वो पता है कि आपका पी नॉट इंटू टी टू बी नॉट बाई आर, आपका तो सब पॉइंट का टेम्परेचर पता है मुझे, यहाँ का इतना है प्रेशर एंड वॉल्यूम का उसमें, यहाँ का इतना है यहाँ का इतना है, नंबर ऑफ मोल्स वन है इसलिए एन आर की जगह पे आ रहा है, तो आप वैल्यूज पुट करते हैं तो जो क्यू होगा, है ना, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू इन द प्रोसेस ए बी, ए बी प्रोसेस में क्यू की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स वन है, सी बी थ्री बाई टू आर हो जाएगी, और डेल्टा टी निकाल लेते हैं एबी सी, तो डेल्टा टी की वैल्यू आप यहाँ से निकालो कि भाई डेल्टा टी का मतलब आपका हो जाएगा थ्री पी नॉट वी नॉट बाई आर माइनस, है ना भाई, ये बी प्रोसेस था ना, तो बी का टेम्परेचर आपने लिया इसे माइनस कर पी नॉट बी नॉट बाई आर, है ना, एकदम सिस्टमेटिक ही करना, इसमें सिस्टमेटिक करने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से एबी प्रोसेस में आप देख लो कितना रहा होगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ही आ जाएगा थ्री पी नॉट बी, है ना, तो क्यू ए बी आ गया थ्री पी नॉट बी, है ना। और दूसरा ये पूछ रहा है कि जो सीए प्रोसेस में कितना हीट रिजेक्ट हो, तो क्यू सीए निकाल लेते हैं,
क्यू सी ए जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे है सी पी डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल्स वन है, 5/2 R हो जाएगा, है ना, ये चीज क्या हो जाएगी 5/2 R, और डेल्टा टी है ना सी से ए, ए का टेम्परेचर जो आपका है वो पी नॉट बी नॉट बाई आर है, माइनस जो आपका सी का टेम्परेचर है वो आपका है 2 P0 V0 R, है ना, ये क्या आ गया बेसिकली आपका 2 P0 V0 R, ये आपका आंसर आपका आ गया 5/2 P0 × V0, और तो कैंसिल हो गया और माइनस साइन के साथ, है ना, तो सी ए में इतना हीट रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें हीट रिजेक्टेड ही तो पूछा हुआ है कि भाई हीट अगर एब्जॉर्ब पूछ होता होता तो उसका आंसर नेगेटिव आता, कितनी रिजेक्ट हो गई, लेकिन इसने पूछा ही हुआ है कि रिजेक्टेड कितना है, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड इन सी ए, हीट रिजेक्टेड इन सी ए, अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड इन सी ए, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, ये ध्यान रखना इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि माइनस साइन आया है क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, और हीट रिजेक्टेड ही पूछा हम तो माइनस साइन, तो उसमें क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 5/2 P0, कोई नॉलेज तो आप पढ़ी नहीं, कौन सा प्रोसेस है, तो सीधे कोई फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन चीज हम जानते हैं कि भाई कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, जब मैं ये सॉल्व करूंगा ना सी पार्ट, मैं बोलूंगा कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है तो क्यू नेट डब्ल्यू नेट के इक्वल होता है ना, कि पूरी साइकिल के लिए बीसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्यू नेट किसके इक्वल होगा डब्ल्यू नेट के, तो क्यू नेट का मतलब क्या हो जाएगा, इसने ए बी प्रोसेस में जो हीट किया प्लस बीसी प्रोसेस में जो हीट लिया प्लस क्यू ऑफ सी ए हो गया इक्वल टू डब्ल्यू नेट, तो आप देखो क्यू ए बी तो हम जानते ही है, अभी आपने निकाला 3 P0 V0, QBC आपका नॉन है क्योंकि उस प्रोसेस की आपको डिटेल पता ही नहीं है, QCA में नेगेटिव आ गया माइनस 5/2 P0 V0, और W नेट भी हम निकाल चुके हैं पॉजिटिव P0 V0, यहां से आपका अपने आप QBC आ गया कि BC प्रोसेस में कितना आपका हीट होगा, तो यहां से C पार्ट का जो आंसर आएगा QBC की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ P0 V0, जिस प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती है ना वो नेट से आ जाता है, भाई सारे हीट का जो सम होगा डब्ल्यू नेट के इक्वल होगा, ये हीट पता है, ये हीट पता है, डब्ल्यू नेट पता है, तो अपने आप क्यूबीसी की वैल्यू आएगी, अब तो ये हमने तीन पार्ट कर दिए ए बी एंड सी, तो पहले इसके ऊपर ध्यान दो आप, फिर मैं डी पार्ट करूंगा, सर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जैसे सर क्यू नेट क्यू नो क्यू नेट क्यू नेट एक बार में आ जाए जैसे वर्क डन नेट आ जाए, नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, क्यू नेट तो निकालने पड़ेगा सर, क्यू नेट डब्ल्यू नेट बराबर इसमें क्यू हां इक्वल ही होगा, वही बात है, डब्ल्यू नेट निकालिए तो क्यू नेट ही हो जाएगा ना, यस सर, क्योंकि डेल्टा यू, अगर आपसे कोई पूछे क्यू नेट कितना होगा तो डब्ल्यू नेट, इसमें अगर पूछा होता क्यू नेट कितना होगा तो पी नॉट इन वी नॉट ही हो जाता, है ना, तो उसके लिए जरूरत ही नहीं आपको, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, इन पार्ट वन हाउ यू कैलकुलेटेड वर्क डन, बिकॉज मतलब आपको जैसे स्लोप के अंदर जो एरिया होता है वो निकालना होता है, तो व्हाई हैव यू डन 3 P0 - P0, लाइक इट इज फॉर्मिंग अ ट्रेपेजियम, नहीं नहीं साइकिल के अंदर का एरिया, ये तो साइकिल प्रोसेस हो गया ना, तो खाली बीसी का वर्क थोड़ी पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है साइकिल का वर्क डन, तो साइकिल का वर्क डन ट्रायंगल का वर्क डन मिलेगा ना, पूरे साइकिल का नेट वर्क डन है, अगर खाली बीसी का पूछता तो फिर वो ट्रेपेजियम कहेंगे, वैसे बीसी प्रोसेस में कितना वर्क तो ट्रेपेजियम आ जाता, सिर्फ सीए में कितना होता तो ये वाला एरिया हो जाता, तो पूरे से इसको माइनस करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा, तो साइकिल का मतलब पूरे नेट प्रॉब्लम, खाली पीसीएम पूछा होता तो पूरा प्रॉब्लम,
सीए में ये नीचे वाला जाता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये एरिया बन जाएगा, वो नेट वर्क डन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, क्या आपका है ना, क्या हो गया, अब आपका आ जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना। तो कई बार तो बड़ा फनी सा क्वेश्चन ही लगता है, इसलिए लगता है फनी सा क्वेश्चन कि सामने टेम्परेचर दिया था है ना, भाई ए का टेम्परेचर इतना है, बी का टेम्परेचर इतना है, सी का टेम्परेचर इतना है, तो सबसे ज्यादा सी का टेम्परेचर दिख रहा है, भाई सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो सी का है, यही मैक्सिमम होगा है ना, कि भाई ए का टेम्परेचर सॉरी सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है बी का है, यहाँ से देख तो रहे हैं कि टीबी की वैल्यू जो है वो टीसी से ज्यादा है और टीसी की वैल्यू टीए से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो टीबी का है बी पॉइंट पे, और वो जो टेम्परेचर होगा वही मैक्सिमम है। ये तो स्टेट का है, इस स्टेट का टेम्परेचर इतना था, इस स्टेट का इतना था, मतलब सी का टेम्परेचर जो ए का टेम्परेचर लीस्ट होगा उससे ज्यादा सी का होगा, उससे ज्यादा सबसे स्टेट बी का होगा। फिर हम ये नहीं जानते ना कि बी और सी के बीच में हो सकता है कहीं टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाए, सी और ए के बीच में तो टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है ना, कि भाई अगर मैंने बोला है कि ए का टेम्परेचर कम है और सी का ज्यादा है तो बीच में कहीं भी टेम्परेचर जो होगा इन दोनों के बीच में, इसमें भी ऐसी है, ए और ए का टेम्परेचर कम है और बी का ज्यादा है तो बीच में जो टेम्परेचर होगा वो ए और बी के बीच में कहीं पे होगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे हम ऐसा बोल नहीं सकते ना, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, इसमें ये सब समझ में आ रहा है प्रेशर भी कम हो रहा है वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन ये पता ही चल रहा है कि टेम्परेचर हमेशा कम हो रहा है बीच में बढ़ती है, तो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इन तीनों में तो बी का सबसे ज्यादा है, लेकिन बी और सी के बीच में हो सकता है कहीं टेम्परेचर और भी ज्यादा हो, है ना, कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी को कंपेयर कर ले तब तो बी का टेम्परेचर ज्यादा है सी का कम है, लेकिन बीच में कहीं टेम्परेचर और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से एक और कंसेप्ट आएगा कि जिस प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता हो, तो हम जैसे काइनेटिक्स में करते थे, काइनेटिक्स में अगर कुछ नहीं पता होता था तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते थे, यहाँ भी हम यही कर लेंगे कि मुझे अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए बी और सी प्रोसेस के लिए तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा, यहाँ भी आप इक्वेशन लिख लो स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं बीसी, तो वाई एक्सिस के अलावा तो प्रेशर है, माइनस आपका यहाँ पे आ गया थ्री पी नॉट है ना, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू पी नॉट बाई वी नॉट, एक्स एक्सिस के अलावा वॉल्यूम है और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है वी नॉट है, तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए बीसी प्रोसेस के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी ना, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से माइनस ऑफ टू पी नॉट बाई वी नॉट इन टू बी, जो कि वी वेरिएबल है, और ये थ्री पी नॉट यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या बच जाएगा आपका फाइव पी नॉट बच जाएगा, तो ये है क्या, सही कह क्या मैंने है ना, यहाँ पे आप चेक करो सही लिखा क्या मैंने, हाँ ठीक होगा है ना, कि आपका इसको अंदर ले जाएगा तो v नॉट कैंसिल प्लस v नॉट हो जाएगा 3 v नॉट जाके ये प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन है, लेकिन आपको तो टेम्परेचर की बात करनी है ना, तो पहले टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हम कर सकते हैं, आपको पता है गैस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू PV बाई NR ही तो होगी है ना, टेम्परेचर वैल्यू क्या होगी PV बाय NR, N तो वन है तो PV बाय R ही हो जाएगा, अब यहाँ से P की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो है ना, यहाँ से हम P की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन आ जाएगा है ना, यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से किसका रिलेशन आ जाएगा, जैसे आपके भैया यहीं से प्रेशर की वैल्यू पुट कर दें, PV is equal to आपका RT होगा, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू RT by V होगी, यहाँ से हम RT by V पुट कर देते हैं, RT by V is equal to आपका आ जाएगा minus twice of P naught by V naught
इनटू वी प्लस फाइव पे, तीन बार जी मिस कंसेप्ट में क्वेश्चन आया है ना, सेम कंसेप्ट होगा जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस टू पी नॉट वी नॉट है ना, आर वी नॉट आ गया इंटू वी स्क्वायर आ गया, और प्लस आपका यहाँ पे आ गया बाई पी नॉट वी बाई आर आपका आ गया। तो ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन आ गया। तो देखा ध्यान दो आप इसमें कि प्रेशर एंड वॉल्यूम में तो लीनियर रिलेशन, दिस इज दिस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन तो क्वाड्रेटिक है ना, ये फंक्शन जो है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो फिर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायग्राम जो होगा वो कर्व हो जाएगा है ना, जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायग्राम होगा वो कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। टीवी डायग्राम जब हम बनाएंगे पीसी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई इस प्रोसेस को अगर मैं बोलूँ कि भाई आप कन्वर्ट करो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम डायग्राम को टेम्परेचर वर्सेज वॉल्यूम डायग्राम टीवी डायग्राम में है ना, तो एबी को कन्वर्ट करना एकदम आसान है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये आपका प्रोसेस एबी हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बीसी के बारे में मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन सीए के बारे में पता है ना, सीए के बारे में पता है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, दिस इज द सीए है ना। लेकिन जो बीसी प्रोसेस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बाकी सारे तो स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से एक कर्व हो जाएगा ये ऐसा है ना। तो आप देखो कि जो बी पे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है बल्कि बी और सी के बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और यही मैक्सिमम टेम्परेचर आपको निकालना है, माइनस बी बाय टू। हाँ, बी मैक्स जो होगा बीच में कहीं पे होगा, तो उसके लिए आपको पता ही है कि क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको ये निकालना है कि वॉल्यूम की किस वैल्यू के लिए टी मैक्स है, टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो डिफरेंशिएट कर देंगे इस पूरे फंक्शन को, हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा dt / dv। अरे डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है, हम माइनस b / ऐसे बिना डिफरेंशिएट के कैसे निकालो। सर वो एक तरीका होता है ना कि मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पैराबोला में माइनस b / 2a होता है क्वाड्रेटिक ग्राफ। हां बिल्कुल सही हो, इसे अगर आप पैराबोला पढ़ चुके हो तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन नॉर्मली जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जाएंगे डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, वैसे आपका कह रहा सही, अगर आप पढ़ चुके हो तो मैथमेटिक्स से इसमें आप यूज करो, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से आपका हो गया माइनस ऑफ फोर है ना पी नॉट इन टू वी बाई आर वी नॉट, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा बाई पी नॉट बाई आर वी का तो वन हो जाएगा, इसका टू वी हो गया, इसका हो गया और ये जीरो, तो यहां से वॉल्यूम की वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे की टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो वो वॉल्यूम जो आएगा ना वो 5 बाय 4 वी नॉट आएगा, जहां पे वॉल्यूम की वैल्यू 5 बाय 4 वी नॉट होगी वहां पे टेम्परेचर जो होगा मैक्सिमम होगा, मतलब ये चीज आपने निकाल ली वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई इसलिए आपकी 5 बाय 4 वी नॉट, यहाँ तो वी नॉट ही था, आप देखो वी नॉट से ज्यादा पे टेम्परेचर मैक्सिमम आ रहा है, वी नॉट पे नहीं आ रहा है जब आप पुट करोगे तो 25/9 आ जाती वी नॉट वी नॉट बाई, ये आपका इसका आंसर है, पूरे प्रोसेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो इतना टी मैक्स की वैल्यू आपकी लेगी 25 P0 V0 by 9। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज, देखो 3 नहीं आ रहा है, 3 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ऐसे आपको पता है कि बी का टेम्परेचर 3 P0 V0 by R है, वो मैक्सिमम नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर,
ये आपका गेस है सर। अच्छा आप 8 आर डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट चेक करता हूँ बेटा। 25 हाँ सही है सर, 8 आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आंसर दिया था, दिस इज 8 आर, 25/8 आर, 8 आ रहे हैं। मैं बोल तो सही रहा था लेकिन देखा था 25/8 आ रहा है, अभी तो 3 से ज़्यादा आएगा, अदरवाइज तो कम हो जाएगा ना। P max is the 25 P naught V naught by 8 आ रहा है। बड़ा एक लैंडमार्क क्वेश्चन है, जेई में ही आया हुआ है, इसी से तो पता चला, इसी के बाद ही क्लियरली पता चलेगा, ये इस ईयर आया था उसके बाद ही ये सारी चीजें लोगों को समझ में कैसे इसको पढ़ना, उस क्वेश्चन का सारे कंसेप्ट है ना, तो क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आपको जानना चाहिए वो सारे कंसेप्ट है। हाँ, मैं किया होगा, केमिस्ट्री में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन करते हैं, वो फिजिक्स में क्या होता है ना कि जैसे हम तो फिजिक्स वाले तो फिजिक्स के क्वेश्चन करवाते हैं, यूजली जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं वो मतलब केमिस्ट्री में फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन करवाते हैं, उनको लगता है टफ क्वेश्चन इसी में फिजिक्स में जाना है तो करते हैं। मुझे याद है कि मैं वाई वॉज टीचिंग इन कोटा, तो एक टीचर थे मिस्टर संजीव, है ना, उनकी बुक्स वगैरह भी आती है, तो पूरी इनोडो सॉल्व कर देते थे केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाते थे, नहीं तो बच्चे बोलते थे तो हमने किया हुआ है, क्योंकि वहां पे करवा सकते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स अलग अलग होते हैं ना, फिजिकल के अलग, ऑर्गेनिक के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग, वो इनोडो पूरा सॉल्व करवा, केमिस्ट्री में उतना टफ कंसेप्ट इसमें है नहीं, जब टफ कंसेप्ट करना होता है तो यूजली वो फिजिक्स के क्वेश्चन, जेई में फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ, केमिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन कभी केमिस्ट्री में आ भी सकता है, वो करते हैं टीचर्स, केमिस्ट्री वाले कई बार ये क्वेश्चन करवाते हैं। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, है ना आपका। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये भी एक थर्ड जो मैंने बोला, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो, आप ए पार्ट खाली सॉल्व कर दो, बी पार्ट घर पे सॉल्व कर लो। पीटी ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान रखना ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, पीवी ग्राफ ही नहीं होता है, क्योंकि ये पीटी ग्राफ है। कल मेरे ख्याल से टर्म कंप्लीट होना चाहिए, कल हम सेकंड लॉ पढ़ लेंगे, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। सर दो ही तो लॉ है इसमें। हाँ दो ही लॉ है, दो ही लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड सर, नहीं थर्ड लॉ भी होता है जो आपके सिलेबस में, मॉड्यूल में जीरोथ और फर्स्ट लॉ के नाम से बताया गया है। जीरोथ एक्चुअली थोड़ा सा वो है, फंडामेंटल लॉ है, वो तो याद ही करना। यस सर, उसमें कुछ ऐसा टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए कुछ उसमें ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हो सकता है केमिस्ट्री में पूरा।
फर्स्ट पार्ट तो इजी आ जाएगा, बाकी बी पार्ट आप घर पे करना। मुझे फर्स्ट पार्ट बता दो। आपके ट्रांसफर डाल देना पहले, सब कुछ करना उसको। ओके हाँ रमेश सही आपका आंसर, लेकिन वॉकडन ऑन द गैस पूछे ही हुआ है ना, तो जब ऑन द गैस पूछा हुआ है तो नेगेटिव का मतलब तो वही है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। वॉकडन ऑन द गैस का मतलब नेगेटिव वर्क ही होता है, तो आप आंसर वैसे नेगेटिव होगा, लेकिन ऑन द पूछा हुआ है मतलब आप उसको पॉजिटिव आंसर दे दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान देना। और भी आंसर आ गए मेरे पास। हाँ रिया योर आंसर इज करेक्ट, वही माइनस नहीं लगाना बेटा, माइनस का मतलब वर्क ऑन द सिस्टम है, तो आप पॉजिटिव ही आंसर लिखिए। वैसे वर्क नेगेटिव आ रहा है लेकिन उसके क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस नहीं पूछा हुआ, अगर वर्क डन बाय द गैस पूछा तो आप नेगेटिव आंसर लिखते, वो पूछ ही रहा है वर्क डन ऑन द गैस, उसको पॉजिटिव नहीं लिखते। हाँ आदित्य योर आंसर इज करेक्ट, भव्या योर आंसर इज करेक्ट, सही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ नहीं इसमें है। देखो बाकी सेकंड पार्ट तो आप अगर कोई पूछे बीसी कौन सा पॉसिबल, आप जानते हो आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना। आपको बताया कि सीए कौन सा पॉसिबल है, सी ए इज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में आइसोथर्मल है ना, लेकिन ए बी के बारे में ऐसा नॉलेज कोई नहीं है, वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, ये कोई भी पॉलीट्रॉपिक हो सकता है, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि इन चार में से कोई। आपका ए बी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क का डेफिनेशन हम जानते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क जो होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी बाई वन माइनस के, डेल्टा डी तो हम जानते हैं इसमें कितना हो रहा है, वन माइनस के की वैल्यू निकालनी है, के के लिए हम कंपेयर करके निकालेंगे। अब होता है पी इंटू वन माइनस के टी टू द पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी टी के बाई वन माइनस के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी के ऊपर से पावर हटा दें, और आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से के बाई वन माइनस के की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका वन आ गया,
है ना, जैसे ये चीज वन आ गई मतलब k की वैल्यू हाफ आ गई है ना, जो k होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर आपके हाफ के इक्वल बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वर्क की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 है, और टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो टी नॉट माइनस 2 टी नॉट हो जाएगा भाई 1 माइनस हाफ है ना, ये कितना हो गया सर आपका 1 माइनस आपका हाफ हो गया है ना, तो इससे आप सॉल्व यहाँ से आपका ये कितना हो गया सर आपका 1 माइनस हाफ, यहाँ से ये जो चीज आएगी माइनस 1200 आर होगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब वार्डन ऑन द गैस हो गया ना, ऑन द गैस, ऑन द गैस अगर पूछी हुआ है आपका आंसर 1200 आर, इसे करते हैं सर। ये भी प्रोसेस में इतना क्या होगा वर्क, पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया हुआ है such that pressure and temperature का constant हो, it has been given in the question, otherwise तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, question में given है कि process AB में वो pressure and temperature का product जो है वो constant, तो इसके बाकी part भी आप solve कर लेना, हाँ, और answer मेरे से कल आप verify कर लेना, so for today, tomorrow we'll discuss the second law of thermodynamics and spring loaded piston. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और स्प्रिंग लोडेड पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे, तो कल काफी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप मॉड्यूल वगैरह अटेंड कर लेना, राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। Thank you.